नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। देख रहे हैं पटना में लोग किस तरह से अब होली मनाकर वापस आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग किस तरह से ठसम ठस की स्थिति बनी हुई है पटना जंक्शन पर। हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अब होली मनाने के बाद फिर वापस पटना पहुंच रहे हैं। लोगों की बड़ी संख्या आपको प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रही है। एक बड़ी संख्या में लोग अब अपने अपने घरों से होली का मज़ा उठाकर, पर्व का मज़ा उठाकर अब वापस अपने अपने कामों के लिए लौट चुके हैं। और इस तरह से पटना जंक्शन पर लोगों की भीड़ इस बात को बता रही है कि अपने अपने घरों में, गाँव में, अपने कस्बों में और अपने जो जो जिनके इलाके हैं वहाँ वो होली मनाने के बाद किस तरह से फिर बिहार की राजधानी पटना वापस लौट चुके हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पटना में ही रहना है, पटना में ही वो काम कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी इसमें होंगे जिन्हें पटना से निकलकर फिर किसी दूसरे राज्य में जाना है, किसी दूसरे शहर में जाना है। मगर जो भी हो, मगर अब लोग वापस होने लगे हैं। अब होली के बाद अपने अपने घरों से निकलकर अब वापस अपनी उस मंजिल की तरफ लौट चले हैं जहां से वो अपने घरों में गए थे, होली मनाने गए थे। रंगों की होली और गुलालों से अपने ज़िंदगी को रंगीन करने के बाद एक बार फिर अब कमर कसकर लौट चुके लोग अब पटना के स्टेशन पर नज़र आ रहे हैं। पटना स्टेशन से बाहर निकलते हुए गेट नंबर 2 के सामने से लोग निकल रहे हैं, गेट नंबर 1 से निकल रहे हैं, और पटना स्टेशन से बाहर निकलते हुए ये लोग अब वापस फिर उसी जोश के साथ, या कहें कि अब दोगुनी जोश के साथ अपने अपने कामों में लगेंगे। और काम में लगने के बाद फिर अपने, जो कहा जाए कि एक बार लोगों का रिफ्रेशमेंट, क्योंकि भारत जो है वो कई भाषाओं का न सिर्फ देश है बल्कि कई जातियों का देश है, कई धर्मों का देश है। और ऐसे में जहां होली का अभी समापन हुआ है, होली लोग मनाकर लौटे हैं, तो अब रमज़ान भी दस्तक देने वाला है। रमज़ान की शुरुआत होने वाली है और रमज़ान के बाद फिर ईद होगी। ऐसे ही फिर उसमें भी चहल पहल नज़र आएगी पटना के स्टेशन पर, या कहें दुनिया हिंदुस्तान के लगभग सभी स्टेशनों पर। लोग अपने अपने घरों की तरफ दौड़ेंगे, घर में ईद मनाने आएंगे और ईद मनाकर फिर वैसे ही लौटेंगे। लेकिन पर्व एक ऐसी चीज़ है जो लोगों में जोश भर देती है, उत्साह भर देती है, और पर्व मनाने के बाद लोग अपने अपने कामों में दुगने जोश के साथ फिर जुड़ जाते हैं। देश ऐसा हमारा है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को भाई भाई माना जाता है। धर्म आपस में एक दूसरे की के लिए मोहब्बत के हाथ बढ़ाते हैं। लोग होली में मुसलमान भी हिंदुओं के यहाँ जाते हैं, तो वहीं ईद में सवैयाँ हिंदू मुसलमानों के घर पर खाते हैं। ये हिंदुस्तान का की संस्कृति है, यही हिंदुस्तान है, और यही सच में हमारा भारत महान है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। राजधानी एक्सप्रेस।